तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिया जाता है कितना चार्ज है कितना नहीं है। और तो चलिए आज हम यहाँ पे अनबॉक्स करते हैं नंबर के सुपर बर्ड्स GT M9 का, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नंबर के सुपर बर्ड्स लॉन्च हुए हैं वो सारे के सारे हमारे पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे डे बाय डे इन्होंने इम्प्रूव किया है, और इससे पहले एक और आए थे सुपर बर्ड GT9, तो वो भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इनकी जो रेंज है काफ़ी अच्छी रही है, और बॉक्स पैकिंग ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलती है आपको सबकी, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छा है, इन्होंने एक कह सकते हो लैग को फॉलो कर रखा है, मतलब एक प्रोडक्ट रेंज को फॉलो कर रखा है। बॉक्स की पैकिंग काफ़ी अच्छी रहती है इनकी। तो चलिए यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते हैं, एंड इस तरीके की अनबॉक्सिंग के लिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है पैकिंग, एंड ये ऊपर की साइड से आपको एक और मिलता है कवर, एंड यहाँ पे मेन हमारे बर्ड्स रखे हुए हैं। तो ये RGB लाइटनिंग वाले प्रॉपर गेमिंग बर्ड्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ANC भी सपोर्ट करते हैं। यस गाइस, तो इसको रखते हैं साइड में, अराउंड 1399 के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रहे हैं, सेल पे हैं, जाके आप ग्रैब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो स्टिकर्स मिल जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लाइफ रन्स ऑन नंबर, और यहाँ पे आपको ओके ये एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल जाती हैं। यहाँ पे वारंटी इन्फॉर्मेशन भी है, यरी 1 ईयर की आपको वारंटी मिलती है आई गेस। तो यहाँ पे वारंटी मिल जाती है आपको 365 डेज़ की। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन कैसे यूज़ करना है, 4 टाइम्स इधर उधर बर्ड्स आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको यूज़र गाइड मिल जाती है, तो इसमें भी आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप पढ़ सकते हो बेसिकली, अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे ये रहा इस तरीके से, है ना। एंड गाइज यहाँ पे आपको एक एक्सेंट में येलो प्लस ब्लैक के एक्सेंट में ये केबल मिल जाती है, इस पर नंबर की ब्रांडिंग मिलती है। तो ओवरऑल यहाँ पे डिटेलिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। केबल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जो मेन हमारे बर्ड्स हैं वो ये रहे। गाइज बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है इनकी, मैंने आपको प्रीव्यू में बताया था, मतलब प्रीव्यू आई थिंक मैंने इसका नहीं बनाया, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था, जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिया जाता है कितना चार्ज है कितना नहीं है। और ये हैं आपके बर्ड्स इटसेल्फ, यहाँ पे आपको एक और RGB लाइटनिंग मिल जाती है, और यहाँ पे नंबर की ब्रांडिंग मिलती है, और इसी के साथ साथ हिंज की क्वालिटी गाइस काफ़ी टाइट है, काफ़ी रिजिड है बेसिकली ये यहाँ पे, तो ये अच्छी बात है। ये RGB पूरी स्ट्रिप मिलती है देखने के लिए, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एक लुक मिल जाता है, देख सकते हो काफ़ी कमाल के यहाँ पे लुक में देखने को मिल रही है। और ऊपर से भी आप यहाँ पे चेक करते हो कितनी बैटरी है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा लेफ्ट और राइट की ब्रांडिंग मिल देखने को मिल जाती है। एंड इसी के साथ साथ नीचे की साइड आपको यहाँ पे number.com लिखा हुआ है, number FC.com लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको कुछ सीरियल नंबर मिल जाता है, और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं ये बेसिकली। एंड मेन अगर मैं बर्ड्स पे हूँ तो गाइस यहाँ पे बर्ड्स की क्वालिटी देखो काफ़ी अच्छी मिलती है आपको, इसकी भी काफ़ी प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे आपको मेटल का मैश मिलता है देख सकते हो, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। क्लोथ वाला मैश जो है वो मतलब टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा होता है, इसको आप आसानी से साफ भी कर सकते हो। तो गाइज़ ये तो हो गया बर्ड्स इटसेल्फ, एंड इसका कंपैरिजन भी ज़रूर लेके आऊँगा, बट फिलहाल इसकी साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग मोड भी चेक करेंगे, यस लो लेटेंसी मिलती है इसमें आपको, ANC मोड भी हम चेक करेंगे, तो सारी की सारी चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, सुपर बर्ड्स M9 आ चुके हैं, एंड इसको हम पेयर कर लेते हैं, और यहाँ पे पेयर हो जाएंगे आई गेस, यस हो चुके हैं। एंड यहाँ पे केस से निकाल लेते हैं, अब यहाँ पे आपको लाइव इसकी साउंड क्वालिटी सुनाऊँगा, आप खुद चेक करना। तो 50% वॉल्यूम पे सुनते हैं पहले, यहाँ पे 50% ही है, एंड यहाँ पे प्ले होगा, इसकी हम क्वालिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि नेट तो चले। तो 100% वॉल्यूम करते हैं,
जितना मैंने सुना यहाँ पे साउंड क्वालिटी तो अच्छी लग रही है डेफिनेटली यहाँ पे, मतलब बेस जैसा पसंद है वैसा ही मिल रहा है इसमें बेस, ऐसा नहीं कि मतलब ओवर पावरिंग है, तो बेस की क्वालिटी भी ठीक है यहाँ पे। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन है वो भी ठीक है यहाँ पे, फुल साउंड में हल्का सा डिस्टॉर्शन है ज़रूर मेरे को लगा, और आपको भी लगा होगा 100% वॉल्यूम पे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे अब हम कंट्रोल्स भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे सिंगल टैप से वॉल्यूम बढ़ घट रही है देखो। तो नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए आपको ट्रिपल टैप करना है किसी बर्ड पे। यहाँ पे पहले प्ले कर लेते हैं इसको, ये देखो नेक्स्ट सॉन्ग लग गया आपका, और प्रीवियस लगाते हैं 1 2 3, तो प्रीवियस लग गया। इस तरीके से आप यहाँ पे सॉन्ग को चेंज कर सकते हो। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका अगर वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट करना है तो लेफ्ट ईयर बर्ड को 2 सेकंड के लिए आपको वो करना है, होल्ड करना है। तो यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाएगा देखो, इस तरीके से 2 सेकंड के लिए आप इसको होल्ड करके रखते हो तो, है ना। डबल टैप करना है किसी बर्ड्स को तो यहाँ पे कॉल वॉल आपकी उड़ जाएगी, और डबल टैप करोगे तो वापस से रिजेक्ट हो जाएगी कॉल। तो ये है बेसिकली। अब गैस यहाँ पे ANC के लिए चार बार आपको यहाँ पे टैप करना है किसी बर्ड पे और ANC ऑन हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, चार बार टैप करना है किसी बर्ड्स में तो ये मोड चेंज करेगा, ANC ऑन हो चुका है, ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन हो चुका है, यहाँ पे ANC ऑफ हो चुका है। अब ANC ऑन करते हैं फिर हम कॉल क्वालिटी चेक करेंगे। ANC ऑन हो चुका है तो मैं यहाँ पे कॉल क्वालिटी चेक करके दिखाता हूँ आपको। सो बेसिकली यहाँ पे होम एनवायरनमेंट में बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से काफी अच्छी आवाज आ रही होगी आपको, और ANC है तो यहाँ पे नॉइजी एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा काम करेगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। कम प्राइस में आपको ANC भी प्रोवाइड कर रहा है जो नंबर GTM9 है, एंड क्योंकि सुपरबर्ड्स 999 भी आए थे तो आई थिंक ये स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, बट कंपेरिजन जरूर लेके आऊंगा आप सभी के सामने। तो गैस 32 डेसिबल तक का जो नॉइस कैंसिलेशन है वो आपका इस तरीके से काम कर रहा है। तो गैस अब गेमिंग मोड चेक कर लेते हैं। गेमिंग मोड के लिए आपको राइट साइड ईयरबड में 2 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। तो गेमिंग मोड ऑन हो चुका है अब। सो गाइस इस तरीके से आपका गेमिंग मोड काम कर रहा है, और लेटेंसी आपके सामने है, आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि लैग है कि नहीं। अब गाइस यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो गाइस देखो अंडर 1500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में जो डील मिल रही है आपको काफ़ी कमाल की मिल रही है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी मिलती है इनकी, मतलब अगर आप मार्केट में किसी बर्ड से कंपेयर करोगे इस प्राइस ब्रैकेट में, ANC तो पॉसिबल नहीं है दे कंपनी, और साथ ही में ट्रांसपेरेंसी मोड, ANC मोड, ड्यूअल पेयरिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। 60 घंटे का कंबाइंड प्ले टाइम मिल जाता है आपको, अप टू 8 to 10 hours का आपको सिंगल बर्ड से प्ले टाइम मिलता है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। 13 mm के आपको डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं इसमें आपको, 32 डेसिबल तक का आपको नॉइस कैंसिलेशन। तो गैस ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी कमाल के बर्ड्स लेके आया नंबर, तो गैस ये डेफिनेटली अपग्रेड है GT99 का, तो ग्रैब करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी इन बर्ड्स की। एंड अगर आपका क्वेरी और भी कुछ रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।